मौका तो यूपी बिहार में मिला है, उसको तो सत्यानाश कर दिया। यूपी बिहार को मौका तो मिला है। मोदी जी कहाँ से कोरोना ले आए? मोदी जी, ये मोदी 26 देश मोदी जी पर क्या भरोसा करें, वो तो सब चीज बेच के भाग जाएगा। एक ये मनहूस आदमी अमेरिका गया, ट्रंप धर्म से गिर गया। दीदी हमारे साथ कार्ड में बैठी है भाई। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ ऑल इंडिया में। मैं हूँ आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। आज डूमर जिले में मौजूद हूँ और ऐसे में लगातार यहाँ पर रैली के जो दौर देखने को मिल रहा है, एक और रैली ममता दीदी के यहाँ पर हुई है। ऐसे में बहुत सारे लोग हमारे संग मौजूद हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे जो साइलेंट वोटर का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि साइलेंट वोटर किसके पक्ष में जाने वाले हैं। सभी लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है तबरेज़ अख्तर, मैं हावड़ा का रहने वाला हूँ। इस बार वोट किसको दे रहे हैं? पूरे तरीके से मैं ममता बनर्जी के साथ हूँ, ममता बनर्जी को वोट दूंगा। ये तो आप ऊपरी तौर पर कह रहे हैं, लेकिन जो साइलेंट वोटर का हम जिक्र कर रहे हैं, जो चुपचाप जाके वोट देने वाले बीजेपी को, उनके बारे में क्या ख्याल? नहीं, बीजेपी को यहाँ से वोट मिलने वाला एकदम नहीं है। ये जो खाली बैनर, होर्डिंग, पोस्टर, ये सब खाली आपको दिखावा है, मगर आज जो बंगाल में एक बात जो निकल के आया, खेला होवे, सच में खेला हो, यहाँ चुपचाप और फूल छाप होगा। लेकिन ऐसे में खेला हुआ नहीं, मोदी जी कह रहे हैं शिक्षा हुए। नहीं नहीं, विकास हुआ। हमारे ममता बनर्जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर, कन्याश्री दी, रूपाश्री दी, क्या समझा, अभी सुबह साझी थी, कितना उन्नति। कभी आपके बगल में देखिए एक नया स्टेडियम बना हुआ। लेकिन इस बार मोदी जी कह रहे हैं कि किसानों को 10,000 मिलने वाले हैं प्रतिवर्ष, मछुआरों के लिए 6,000 रुपए दे रहे हैं, 22,000 करोड़ की लागत से कोलकाता का बदलाव किया जाएगा, गरीबों को आवास दिया जाएगा। इससे पहले मोदी सरकार ने कहा था गरीबों के अकाउंट में 15 लाख रुपया आएगा, मगर 15 रुपया नहीं आया। आपके क्या अकाउंट में 15 रुपया आया कि नहीं? हमारा ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में बहुत अच्छा काम कर रही है, यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलजुल के त्यौहार। आज देखिए आज होली है, आज कल हमारा से बरात है, हम लोग सब मिलजुल के यहाँ खुद बहुत सुकून और शांति से वेस्ट बंगाल में हम लोग रहते हैं। हम लोग को यहाँ कोई हिंसा, कोई भड़काव की यहाँ बात नहीं है, हम लोग यहाँ पे बहुत सुकून से। देखिए कन्या अभी 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 फिलहाल देखिए 12th क्लास के छात्र छात्रियों को 10,000 रुपया ममता बनर्जी ने वादा किया था, टैब 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 मोबाइल देंगे, एंड्रॉइड मोबाइल देंगे। उन्होंने संग संग जो है 10,000 रुपया छात्र छात्री के लिए 12th क्लास में 10,000 रुपया अकाउंट में दिया संग संग। लेकिन ऐसे में जब तक आप किसी और विपक्ष को मौका नहीं देंगे, जो बार बार विपक्ष कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं कि भैया हमें मौका दो, हम करके दिखाएंगे, तो मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? मौका तो यूपी बिहार में मिला है। नहीं नहीं, मौका तो यूपी बिहार में मिला है, उसको तो सत्यानाश कर दिया। यूपी बिहार को मौका तो मिला है। नोटबंदी किया, ये नोटबंदी किया, फिर कोरोना कर दिया, ये कर दिया, क्या क्या, वो तो कितना मौका देगा? मोदी जी कहाँ से कोरोना ले आए? मोदी जी, ये मोदी 26 देश में भाजपा की सरकार, भाजपा की हुकूमत है। उन्होंने कहा था कि सोनार यूपी पहले बनाए, सोनार राजस्थान बनाए, सोनार गुजरात बनाए, उसके बाद फिर बंगाल में। बंगाल हमारी दीदी 10 सालों से सोनार बांग्ला बन गया है। हम लोग खाने को नहीं है, क्या समझे? आज देखिए आज किसान दिल्ली से होके नंदीग्राम में पहुंच गए हैं। आज के आंदोलन में क्या गलत नहीं है? कोई भी खुश नहीं है। एबर हमरा अपने का एकटे कोता बोली, बांग्ला कोता बोलबो, एबर दीदी संग कोता बोलो। चलिए, महिला शक्ति की बहुत हमेशा बात की जाती है, ममता दीदी भी करती है, मोदी जी भी करते हैं, तो मोदी जी पे एक बार आप भरोसा तो कीजिए। मोदी जी पर क्या भरोसा करें, वो तो सब चीज बेच के भाग जाएगा। एक दिन वो तो बेच रहा है, रेल बेच दिया है, मोदी पर क्या भरोसा करें? दीदी हमारी महिला शक्ति जिंदाबाद, दीदी फिर आएगी, इस बार ज्यादा मेजोरिटी लेके आएगी। लेकिन जो अपोनियन पोल है वो बीजेपी 150+ दिखा रहा है। वो दिखाने से क्या, मोदी ऐसा, वो भी ढप्पाबाजी मोदी का तरह है, जैसे मोदी ढप्पाबाजी वैसे अपोनियन पोल भी ढप्पाबाजी। महिलाओं के लिए मोदी बहुत कुछ करने की बात कर रहे हैं। 15 लाख जैसे नहीं आया, वैसे ये भी झूठ बोल रहे हैं। वो झूठ बोलता है, वो झूठा मोदी है। बोलिए, महिलाओं के लिए मोदी ने क्या कहा है? बेटी बचाओ, उनको मालूम था कि हाथर्स में रेप होने वाला, उनके कैडर, उनके पुलिस, अरे उनको पैसे के पहले पता कैसे पड़ जाएगा? उन्होंने पहले कह दिया कि ऐसा होने वाला है, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। बोलिए बोलिए, बेटी बचाओ, ये मोदी बोले। ये बंगाल में हुआ आगा नहीं, भूल जाने जाने कहाँ है, बोलो गुजरात बनाने, दिल्ली बनाने, बंगाल आने कोशिश नहीं करना, कहाँ है उधर रहने दो। लेकिन ऐसे में अब जो अमित शाह है, चाणक्य माने जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं एक जादू की छड़ी चलती है और जीत जाते हैं। जादू की छड़ी इस बार यहाँ चल गई, तो यहाँ तो कभी जादू की छड़ी चलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे अग्निकन्या ममता बनर्जी की हुकूमत है और ममता बनर्जी के यहाँ तमाम चाहने वाले हैं, यहाँ पे उनका जादू की छड़ी नहीं चलेगी। लेकिन ऐसे में बार बार बीजेपी ये बात भी कहती है कि ममता दीदी विकास के आड़े आती है। महिला से पूछ लेते हैं ये सवाल का जवाब,
ममता बनर्जी कभी विकास के आड़े नहीं आते, विकास होगा मोदी झूठ बोलता है, ममता बनर्जी करती है, मोदी कर बोल के, हाँ विकास बोल के मोदी करता नहीं है, ममता बनर्जी करके बोलती है, मोदी बोल के नहीं करता है। लेकिन आप प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो जिस पद पे हैं उनसे खुश हैं या उनसे भी ना खुश हैं आप? एकदम ना खुश है उससे, हम लोग नहीं चाहते उसको प्रधानमंत्री, उससे क्या कह रहे हैं? कोई खुश नहीं है उससे, कोई नहीं है खुश, सब परेशान में उससे। आप ये बताइए कि यूपी बिहार बंगाल से अच्छा है क्या, इतना खुशहाली है या हर आदमी अच्छा से कमाता है खाता है सब खुश है, सब खुश है? पश्चिम बंगाल से ज्यादा, पश्चिम बंगाल से ज्यादा किया जो यूपी में यूपी हुआ या कहीं भी जो बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ पे पश्चिम बंगाल से ज्यादा डेवलपमेंट है? पहले तो जो बीजेपी की जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ पे आप बता दीजिए पश्चिम बंगाल से ज्यादा डेवलपमेंट है? जो मोदी यहाँ पे आके कह रहे हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट होगा उससे ज्यादा डेवलपमेंट, यहाँ महिलाएं देखिएगा रात में 2-3 बजे तक महिलाएं घूमते रहती है, महिला यहाँ पे सुरक्षित है, लेकिन बीजेपी के और स्टेट में आप चले जाए महिला सुरक्षित आए दिन रेप होता है। सुरक्षा की बात कर रहे हैं, विपक्ष ये चीज कहता है कि भैया हमारे 130 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की बंगाल में मौत हो गई। अरे वो तो क्यों ऐसा क्यों, देखिए ये तो सब अपने अपने आंकड़े बात, ये सब बिल्कुल बेवैयात बात है, ये सब में कोई माने मतलब नहीं, ये सब तो आए दिन मतलब ये लोग बोलते रहते हैं, ये सब में कोई मतलब नहीं। खजाना है, क्या कह रहे हैं? झूठ का खजाना है अमित शाह और मोदी, नरेंद्र मोदी, ये दोनों मिलके आज अंबानी और अडानी को खाली फायदा पहुंचाता है आज जो, और झूठ का खजाना है एकदम। आज जो बांग्लादेश गए हैं मथुआ समाज को लुभाने के लिए, क्योंकि मथुआ समाज में कुछ उनके जो एमएलए के बहुत से जो सीट है उनको लुभाने के लिए सिर्फ दिखला रहे हैं, तो टीवी पे चाहे जो भी चैनल पे आप देख लिए सिर्फ मथुआ समाज के लोगों को लुभाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अरे वो तो अमेरिका भी गए थे लुभाने के लिए ट्रंप को, उनका यही काम उनका है, क्या हुआ यही काम है, ये मनहूस आदमी अमेरिका गया, ट्रंप धर्म से गिर गया। दीदी हमारे साथ कार्ड में जो नहीं है, मैं आपको अपना व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ कि मेरे एक तो दोस्त के एक तो फादर है जिनका उनको हैसियत भी नहीं, साथ साथी कार्ड के जरिए 3.5 लाख खर्चा करके ये हम लोग का क्या नाम है नारायणा में उसको एडमिट करके 3.5 लाख पूरा ये किया गया, ठीक है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा चीज जो फैक्टर देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है साइलेंट वोटर का, जो अभी तो कह रहे हैं कि टीएमसी को वोट दे रहे हैं लेकिन जब वोट देने जाएंगे तो बीजेपी को दे जाएंगे, वो साइलेंट वोटर है यहाँ पे बहुत। चुपचाप फूले छाप, चुपचाप फूले छाप। आज देखिए आज बलरामपुर या जहाँ जहाँ पे हो रहे हैं मेदिनीपुर का तरफ में देखिए लोग मार रहे थे टीएमसी में बीजेपी में जा रहा, वो ईवीएम मशीन पकड़ाया गया है, मशीन से कुछ भी कर ये लोग गंडोगोल पूरा करके रख रहे हैं क्योंकि सेंट्रल से ही अपने पावर को यूज कर रहे हैं। आप बताइए यहाँ का, आप बताइए स्टेट फोर्स जो उनको बोला 100 मीटर दूरी में रहने और सेंट्रल के फोर्स जो अंदर में तैनात किया गया तो इससे क्या है पब्लिक क्या एक भय नहीं है? अरे ये फौज नहीं है, यूपी का होमगार्ड को बुर्का पहना के लाया गया, वर्दी पहना के लाया गया, नहीं बोले सही फौज थोड़ी है यहाँ पे, एक बांग्ला लीजिए मैं ये चाय। आपने देखा कि यहाँ के लोगों की अलग अलग सोच है, अलग अलग विचार हैं, लेकिन ऐसे में 2 मई को ये साफ तौर पर साफ हो जाएगा कि जीत किसकी होनी है। लगातार बंगाल के इलेक्शन की कवरेज आप तक पहुंचा रहा हूँ, ऐसे में लगातार हमारे साथ बने रहे, न्यूज़ इंडिया के साथ नमस्कार।